प्रकृति में रहने वाला प्रभु ऋषि है, राजऋषि नहीं, प्रभु ऋषि। उसको तीनों काल स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रभु ऋषि माना ज्योतिषी नहीं, लेकिन हमारी पूरी जन्म पत्री को जानने वाला प्रभु ऋषि कहलाता है। जैसे बाबा प्रभु ऋषि है, ऐसे बाबा के बच्चे भी प्रभु ऋषि बनकर के इस संसार में चलने चाहिए, तब दुख और धोखे से बच सकते हो। लेकिन वहां कौन धोखा देगा पता नहीं चलता, पहचान नहीं है, कितनी ठगी है, कितनी चोरी है, कैसे कैसे लोग हैं, उनको पढ़ नहीं सकेंगे अगर आप प्रभु ऋषि बन करके नहीं रहे। रघुपति की कुटिया में विराजमान रहने वाली आत्मा जब भी समय मिले इस रघुपति की कुटिया में बच्चा और स्त्री से डिटैच हो जाए। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है इसके अंदर, अभ्यास की जरूरत है। बार बार अपने को इसमें चमकता हुआ अब योग में बैठते हैं, पता नहीं क्या चिंतन करते, कौन से संकल्प करते रहते हैं जो 5 मिनट 10 मिनट के बाद ऐसे नींद आने लगती है। कम से कम 3 मिनट का जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, कहीं नहीं जाओ परमधाम में इधर उधर, बाबा अपने आप खींच करके आपके पास आ जाए। लेकिन प्रकृति की कुटिया में अपने को चमकता हुआ सितारा, यहाँ बैठा हूँ मैं चमक रहा हूँ, मन और बुद्धि स्थिर है, शरीर भूला हुआ, अभ्यास करके दे बड़ा मजा आएगा इसका। और फिर जब आप चलेंगे फिरेंगे तो आपके संबंध संपर्क में जो आएगा उसकी भावनाएं आपको कैच होंगी, संकल्प भी कैच होंगे। इस भाव से आया है क्या, इसकी भावनाएं हैं क्या, संकल्प है तो चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत शरीरी बनने का अच्छा अभ्यास। ये ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत है तो कभी भी